जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिकंदर एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। अम्मी बीमार हो गई थी और इनकी बॉडी में सॉल्ट का इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से जो है ये लाहौर आई और इनका इलाज चल रहा था। ये बेसिकली व्लॉग जो है मैंने ईद से पहले किया हुआ था, अपलोड भी पहले करना था, लेकिन जो है वो मसरूफ़ इतना ज़्यादा था कि मैं कर ही नहीं पाया और इसको मैं ईद के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है वो जो ईद का मेरा व्लॉग है ये बड़ा ही मज़े का वैसे बना है और एक से दो दिन के अंदर अपलोड करूँगा। आज पे मैं घर पे ही था, वीकेंड के ऊपर गांव नहीं जा सका, तो फिर मैंने सोचा कि जो भी है इनकी पौधों की कटिंग शटिंग वो देख लेता हूँ और वो करता हूँ आज। तो साथ साथ जो है वो कोई ये इनकी वो होने वाली थी। ये जो सारी है ये बेसिकली खोदने वाली थी थोड़ी थोड़ी, इसकी जो है वो अलाइनमेंट भी करनी थी थोड़ी थोड़ी क्यारी की, कि इतना इतना हिस्सा क्यारी का। आयरा आपकी तबीयत आप कैसी है बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक तो नहीं है। अच्छा तो आपको टीवी लगा दूं? चलो आयरा को मैं टीवी लगा के देता हूं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नाश्ता करेंगे, तो आपके साथ आज यहां की एक्टिविटी शेयर करूंगा। मामी वाली शाख है, ओके चलें जी। इब्राहिम और आयरा ने तो जो है वो एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया टीवी, और मैं अब थोड़ा सा कोई और काम कर लूँ और उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे मिलके सारे। आज आपने और इब्राहिम ने कोई चीज़ भी बाइक से नहीं खानी, ओके? आपको ये जो बुखार होता है वो डॉक्टर कहते हैं कि आजकल आपने रोज़ हैंड वॉश करें, हर वक्त हैंड वॉश करें बार बार खाने से पहले, और उसके बाद बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी। इब्राहिम आपने आयरा को बता दिया कि बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी? चीज़ नहीं खानी, शाबाश, वेरी गुड। ये आ गया है हमारा नाश्ता, और इम्बी साहब जो हैं वो ट्रेन चला रहे हैं और साथ ये उनका जो है गोल्डन डोनट पड़ा हुआ है। और अब हम ये आयरा मेरे साथ बैठ गई है, हाँ जी आरो चले, और अब हम सब मिल के नाश्ता करें। आयरा आज खा रही है जो है ब्रेड और साथ चाय के साथ डिप करके, ये देखें, क्योंकि आयरा को हल्का सा बुखार था, अब तबीयत बेहतर है और पेट में दर्द था, जिसकी वजह से जो है आयरा आज अंडे के बगैर नाश्ता कर रही है। और अभी जो है ये झूम झूम के ट्रेन चला रहे हैं। कैसे चला रहे हो? झूम 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 के कैसे? अभी ये क्या दिखाओ मुझे, ये किसने किया है? आयरा आपने ये किस कैसे किया है? कैसे? आर्ट से किया है। और ये वाटर कलर किए हैं या क्या, कौन से कलर से? पेंटिंग कलर। वाह ओके। नहीं तो आपने छोटे छोटे टॉप्स क्या करने हैं गुड़िया के? वो ये देख, जब ये तब तक मैं इसे खेला करूंगी शादी पे जाएगी, इससे आप लोग खेलते गाओ। नहीं तो आप क्या कह रही हो, शादी हो गई तो इससे कि मैं आप देखिए इसके कान से ले। इसके कान क्या हुए? सिले हुए दिखाएं जरा, ये खोल बनाया एक मिनट। अच्छा तो इधर आप कह रही हैं कि इसको टॉप्स चाहिए आपको, तो आप खुद टॉप्स बना लेना इतनी अपनी क्रिएटिविटी से। अम्मा से पूछो ना कि अम्मा किस तरह इसके टॉप्स बनाऊँ, तो उसके टॉप्स बना लो, ठीक है? ये जी हम आयरा की गुड़िया के लिए जो है वो हमने आइडिया सोचा है कि जो टॉप्स हैं उनके लिए ना हम खूबसूरत से कोई फ्लावर्स ले देते हैं। चलो आयरा आप ले लेना बेटा, ऐसे नहीं है पूरे उठाएं, ठहर जाएं, लेट मी हेल्प यू।
ये एक उतार लेते हैं और इसके अंदर से फिर हम निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, ये पकड़े मुझे, मुझे। ये ले ले आयरा बेटा, इसको बस पकड़ के रखे आप। शादी पे? हाँ, हाँ देते हैं। ओ वाओ, चलो चलें आप, चलो। ये मैं शनाज को छोड़ने जा रहा हूँ डाडी अड्डा के पास। अम्मी के साथ आई थी क्योंकि शुरू से अम्मी के पास रहती हैं, और अब जो है वो उनको मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। शनाज आ खब्बे पास है, अगे दाता दरबार है। आ खब्बे पास है, आई देख ले। जैसे ही मैंने शनाज को ड्रॉप किया, सामने एक ढाबा नज़र आ गया। क्योंकि मुझे भूख बहुत सख्त लगी हुई थी तो अंदर चला गया और वेटर को कहा मैंने जो कुछ भी मज़े खाए ले आओ, तो वो ले आया दाल माँच। खैर उनकी दाल माँच बहुत मज़े की बनी हुई थी, साथ तंदूर की रोटी और ठंडी ठंडी कोक, बहुत ही मज़ा आया। पता नहीं अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और या दाल की बड़ी वाकई जो स्पेशल थी जिस तरह उसने बोला था। खैर बड़े आराम से मैंने खाना खा के फिर मैंने वहाँ से वापस घर चला लिया। बड़ा ही खूबसूरत ये पुल बना हुआ है, सामने मैग्निफिसेंट बादशाही मस्जिद और वो दूसरी साइड पे उसके सामने शाही किला और ये साइड पे मीनारे पाकिस्तान। ये आपको मीनारे पाकिस्तान नज़र आ गया। अच्छा जैसे ही मैं दादा दरबार के पास आया वापसी पे, तो यकदम मेरे जहन में ख्याल आया कि बेगम ने बड़ी देर से केन के जो है लैंप्स का बोला था। दादा दरबार के बिल्कुल सामने ये गमे शाह वाली साइड के ऊपर पूरी एक मार्केट है जिसके अंदर जो है केन का फर्नीचर और केन के हैंडीक्राफ्ट और केन से बनी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। कुछ कुछ कारीगर भी साथ बैठे हुए हैं, साथ वहीं भी बनाते हैं और कई लोग बना के उन्होंने अपने डिस्प्ले शोरूम किए हुए हैं। और पूरे लाहौर में मेरा ख्याल है जो सबसे रीज़नेबल केन का फर्नीचर है या जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगी। वैसे हैं महंगी चीज़ें, ये नहीं है कि वो बड़ी सस्ती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो है आपकी कोई भी अच्छी मार्केट, उनसे बहुत ही कम और रीज़नेबल रेट के अंदर ये मौजूद है। तो ये मैं अंदर उसके घुस के आऊँ, यहाँ पर मैं लैम्प्स ये जो बने हुए हैं ये सामने नज़र आ रहे हैं ये देख रहा हूँ, और ये बाहर सोफ़ा और ये जो झूला वगैरह हैं ये उसके स्टैंड हैं झूले के, और मुझे भी किसी अगर लैंप्स ढूंढने थे तो ये मैं उस तरह की चीज़ें वहाँ पे सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ अच्छे लैंप्स मिल गए। तो अंदर होल्डर की तो जगह ही नहीं है, होल्डर लग जाएगा तार निकालनी पड़ेगी, बस अंदर होल्डर फिट हो जाएगा। ये लैंप की क्या कीमत है? 2000 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा ये 1000 की तरफ खाना है, और जो है वो अम्मी भी गाँव में रहती हैं, बीमार थी तो आज अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक है। तो अब हम सब लोग जो है वो जा रहे हैं खाने की तरफ। इबी किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? नानो कौन सी नानो? बड़ी नानो? तो क्या करने? डिनर। और ये 4-5 किस लिए आई हुई है? तो मुझे ये जानकारी चाहिए तो
और दादी लाहौर आई हुई हैं। अच्छा चलो तो फिर अब लेट हो रहे हैं, चलें इबी चलें। किधर? अच्छा चलो ठीक है। और जी ये हम पहुंच गए हैं नादिश की पुप्पो की तरफ, और नादिश की पुप्पो जो है वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, और इनका जो है वो टेस्ट वो भी और इनके एस्थेटिक्स भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि हम भी फाइन आर्ट्स के हैं दोनों, तो हम बड़ा इंस्पायर होते हैं इनकी जो डेकोरेशन या इनकी जो सेटिंग्स हैं और इनके जो एस्थेटिक्स हैं। तो चलें अब अंदर चलें। और ये बड़े अपनी बातों में मसरूफ़ हैं, और बच्चे जो है वो यस्सू पंजू आठ कबूतर, और ये आ गई छोटी सी डॉली। खाना देख के तो वैसे भी मज़े का लग ही रहा है, लेकिन ये पुप्पो के हाथ में वाकई बहुत ज़्यादा टेस्ट है और बहुत ही मज़े का खाना बनाती हैं। और ये दोनों जो चूचे हैं ये देखें इधर कोने में सुकून से बैठे हुए हैं। बाय 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 बाय। Mango and ice cream. Ben! Ice cream तो आई नहीं। ये तो दादी आज आइस क्रीम लेके आई हैं आपकी। ये तुम्हारी आइस क्रीम पसंदीदा। अबू आंदे सान भी अम्मी दी दवाई मिस हो जाए आइस क्रीम ना मिस होवे। नहीं नहीं वो सारी आंदी पी तुसी खाओ। नहीं ब्यूटीफुल कप के अंदर ना 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 ना। अम्मा तुसी खाओ इजी हो गए। लो जी आज दादी आइसक्रीम लेके आई है, दादी ते दादी दी पसंदीदा गिज़ा आइसक्रीम है, और अब हम सब खा रहे हैं आज। ओ चीटिंग 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 चीटिंग। इब्बी आपकी आइसक्रीम खाई जा रही है, और आयरा चीटिंग वाली आइसक्रीम खाए, और मुझे दें आप सब लोग इजाज़त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और मैं इंशाल्लाह इस अपनी जो है क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली कोई ना कोई जो है वो डिवाइस अपग्रेड कर लूँगा। टिल देन ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।